अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन से हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड आपने आई 2016 के बारे में सुना होगा ये सारे क्वेश्चन हमारे आईबीसी से रिलेटेड हैं देखिए पहला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी इज फेलर ऑफ ए कंपनी और एलएलपी टू पे ड्यू अमाउंट ऑफ रुपीस दिस और एबव कंपनी और एलएलपी के केस में मिनिमम अमाउंट एक लाख रुपये होना चाहिए वन लेक एंड अबव के केस में आईबीसी में केस को रेफर किया जा सकता है और यही केस अगर इंडिविजुअल का या पार्टनरशिप फर्म का होता तो ये अमाउंट होता वन थाउजेंड एंड अबव रुपीज वन थाउजेंड और अबव तो हमेशा याद रखें कंपनी या एलएलपी का केस है तो कम से कम एक लाख रुपया होना चाहिए आईबीसी में जाने के लिए आउटस्टैंडिंग और अगर इंडिविजुअल का या पार्टनरशिप का केस है तो मिनिमम एक हजार रुपये होना चाहिए तो इसका आंसर है ए और इसका आंसर है डी ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंसॉल्वेंसी बैंक कोर्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन फॉर कॉर्पोरेट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड एट देखिए आईबीसी में जो कोर्ट डील करती हैं कोर्ट को ही हम कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी तो ये जो केस जाएंगे वो एनसीएलटी में जाएंगे कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जाएंगे डीआरटी में नहीं जाएंगे कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी नहीं जाएंगे इनके लिए जो कोर्ट बनाई गई है उनका नाम है एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ओके अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैगअपोर टू थाउजेंड सिक्सटीन कौन इनिशिएट कर सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकते हैं कॉर्पोरेट डेटर कर सकते हैं शेयर होल्डर और एम्प्लॉय कर सकते हैं ऑल ऑफ दी कोई भी जा सकता है एनसीएलटी में केस फाइल करने के लिए अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है कंपनी पैसा नहीं देती है तो उसके अगेंस्ट में आईबीसी में केस फाइल किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है ये केस फाइल ठीक है तो आंसर आएगा इसका डी ट्वेंटी नाइन क्या कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पिलर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक ऑफ सी कोर्ट टू ए दिया है इनमें से कौन इंसॉल्वेंसी बैंक ऑफ सी कोड में इन्वॉल्व नहीं है इंसोल्वेंसी बैंक बोर्ड इन इंडिया आई ये तो मेन बॉडी है दूसरा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आई यू ये भी मेन है हाई कोर्ट से इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसकी जगह ले लिए एनसीएल ने और चौथा है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ये भी होते हैं तो इसमें हाई कोर्ट इज द रॉन्ग आंसर तो आंसर आएगा आपका सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स अंडर इंसोल्वेंसी इन बैंक कोर्ट टू रिप्रेजेंट्स द इंसॉल्बेंसी रेजोल्यूशन प्लान आई को कौन रिप्रेजेंट करता है कौन प्रिपेयर करता है जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान बनता है उसको कौन बनाता है ये बनाता है इंसॉल्बेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आई इनको बोलते हैं ये जनरली चार्ट अकाउंटेंट होते हैं क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं जिनका कम से कम दस साल का एक्सपीरियंस होता है तो ये इंसॉल्बेंसी रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं तो आंसर आएगा इसका इंसॉल्बेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आई ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्टी वन क्वेश्चन अंडर एंड इन बैंकेंड 2016 एन इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान इज रिक्वायर्ड टू बी सॉरी इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाई दिस परसेंट ऑफ क्रेटर्स दिस परसेंट ऑफ क्रेटर्स बाई वोट वोटिंग राइट देखिए ये है जो क्रेटर्स हैं यानी COC इसको बोलते हैं क्रेटर्स जो है उनका 60 परसेंट वोटिंग राइट है कमिटी ऑफ क्रेटर्स बनती है इसमें अगर 66 परसेंट क्रेटर्स इस पर एग्री होते हैं तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव माना जाता है पहले ये लिमिट पिछहत्तर परसेंट थी जिसे घटा के अभी 66 परसेंट कर दिया गया है तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है इसलिए इसका ध्यान रखें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो बनती है उसमें कितना परसेंट अप्रूवल होना चाहिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर छियासठ परसेंट लोग उसके लिए एग्री नहीं है यानी क्रेडिटर्स एग्री नहीं है तो एनसीएलटी में आप नहीं जा सकते यानी रेजोल्यूशन के लिए रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन सकता उसका पहले ये लिमिट पिचहत्तर परसेंट थी अभी इसको घटा के सिक्सटी सिक्स परसेंट कर दिया गया है तो आंसर आएगा आपका बी ओके थर्टी क्या कहता है अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक को टू थाउजेंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी कैन डिसाइड एडमिशन ऑफ केस विद इन ए पीरियड ऑफ एनसीएलटी जहां केस फाइल होता है उसको चौदह दिन का टाइम मिलता है किसके लिए कि केस को वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एडमिशन ऑफ केस के लिए फोर्टीन डेज का इसमें टाइम है चौदह दिन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे आ जाइए अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैक्रप्सी कोड टू थाउजेंड सिक्सटीन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आई इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द रिजोल्यूशन प्लान बिफोर विद इन 180 एक सौ अस्सी दिन के अंदर उसको प्लान बनाना होता है जिसको नब्बे दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है ये दो सौ सत्तर लिमिट है टोटल अभी इसको बढ़ा के तीन सौ तीस दिन कर दिया गया है ये आप ध्यान रखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो बेस जो पीरियड है वो छह महीने का यानी वन एटी डेज का है तो इसका आंसर आएगा सी वन एटी डेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते थर्टी फोर अंडर इंसॉल्वेंसी इंसोल्वेंसी बैंकेंड सिक्स इफ ए रिजोल्यूश प्लान इज नॉट नूड बाई फाइनेंशियल विद इन स्टुलर टाइम टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाई एनसी मैंने अभी बताया है प्लस डेज तो इसका आंसर आएगा नाइनटी डेज ठीक है और लास्ट क्वेश्चन है इस इस सीरीज का देखिए अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड 2016 थाउजेंड सिक्सटीन ए कारपोरेट डेटर मे बी पुट इनटू लिक्विडेशन इफ उसको लिक्विडेशन में कब डाला जा सकता है इफ सिक्सटी परसेंट मेजोरिटी ऑफ क्रेटर्स कमिटी डिसाइड टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर अभी हमने बात की थी कमेटी ऑफ छियाटर है दूसरा क्रेडेटर्स कमेटी डज नॉट अप्रूव ए रेजोल्यूशन प्लान विदिन वन एटी डेज एक्सटेंशन नाइनटी डेज डेटर कंट्रावींस द एग्रीड रेजोल्यूशन प्लान एंड अफेक्टेड पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर सी तो आंसर है इसका ऑल ऑफ दी द अंडर लिक्विडेशन ये अगर कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा देखिए या तो एनसीएलटी उसको अप्रूव कर देती है और एनसीएलटी अप्रूव नहीं करती इन किसी की वजह से भी तो उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा तो आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ दी एवं इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होने पर तो उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा